सबसे जो महंगा कपड़ा है वो किसके पास है सबसे, आप क्या अकॉर्डिंग? नहीं, एक तो परसेंटेज ज्यादा होती है ना कि सबसे महंगा उनके पास है, समझ लीजिए कि इनका वाला थोड़ा सबसे, या मेरी रानी का ही ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, जो आपने अपने रानी की वेव के अंदर दिखाया था, तो पठान पटोला आर्ट, वो आपको इस दुकान पे साड़ी मिल जाएगी। ये कोई जगह, ये पटोला आर्ट यहाँ की फेमस है, पटोला आर्ट, पाटन पटोला, पटोला पाटन की ऐसी आर्ट है जो हजारों साल चली आती है, जिसमें कपड़े को बुनाई के टाइम छपा नहीं जाता, धागे को कलर करके बाद में बुनाई किया जाता है, प्रोसेस उल्टा है उसका। इससे क्या होता है कि जो डिजाइन वाला कपड़ा उल्टा सुल्टा रहता है, पटोला पटोला बहुत साइड सेम डिजाइन रहता है, बिल्कुल उल्टा सुल्टा नहीं आता, क्या उसकी खासियत है। आपके पास मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे। तो भाई, आप जब रानी की वेव से बाहर निकलोगे, लगभग 100 या 150 मीटर की दूरी पे, आइए, बिल्कुल 100 या 150 मीटर की दूरी पे आइए। इनके जो परिवार में पहले से ही काम चलता आ रहा है, क्या बात है, ये देख सकते हैं आप कितना लगभग, ये जो बुनाई है कितने साल पुरानी है? लगभग बहुत साल पुरानी है। तो आपके पास सब कुछ मिलेगा जो अंदर वहाँ पे दिखाया गया हमें, जितने भी क्या कहते हैं डिजाइन दिखाए गए वहाँ पे, मैंने देखा कि 7 इधर थे 7 उधर, 14 डिजाइन है रानी की वेव के अंदर। ओह बिल्कुल बिल्कुल। और आप कब से काम कर रहे हैं? अंदर नॉट लगा रहे हैं। चलो दिखाओ। और ये देखिए भाई, लगता है कि ये यहाँ पर जो चलता आ रहा है, एक साड़ी बनाने में 4 महीने। ओ भाई साहब, ये देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक साड़ी को बनाने में 4 महीने लगता है, और कीमत कितनी रहती है उसकी? 1.5 लाख से 2 लाख। 1.5 लाख से 2.5 लाख तक की कीमत साड़ी की? ओ भाई साहब, कितनी बड़ी बात है ये। तो बनाने में 4 महीने लग जाता है। और अगर आप महंगे कपड़े पहनने के शौकीन हैं, तो आप पाटान में आइए और यहाँ पर पहनिए सबसे महंगी 1.5 से 1.5 लाख की और साड़ी, तो 4 महीने में बनती है भाई साहब। और ये देखिए, हमें बाबा जी और भी दिखाने वाले हैं। 25 साल पहनी हुई, आज तक नहीं है। 25 साल पुरानी साड़ी। ओ भाई साहब, ये 25 साल साड़ी देख रहे हैं पुरानी है, और सेम कुछ नहीं बिगड़ा है इसका, सबसे बढ़िया बात ये है। 25 साल भाई साहब, 25 साल में तो कपड़ा बेकार हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। और इनके पास काफ़ी डिज़ाइन है, ये देख सकते हैं आप, छोटी सी दुकान है लेकिन बड़ा धमाका है इस दुकान में। ये देखिए, इस तरीके से ये डिज़ाइन आते हैं। ये देखिए आप, मतलब कि इनकी मेहनत से समझ सकते हैं कि 4 महीना अंदर बंद है। और आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और दिखाना चाह रहे हैं हम। ये हेलो सर, मैं ऑल इंडिया ट्रेवल कर रहा हूँ, और मैं आपके शहर में आया था, तो इस चीज़ के बारे में कुछ मुझे बता दीजिए। अभी ये जो हम काम कर रहे हैं उसको पाटन पटोला फैब्रिक्स बोला जाता है। पाटन पटोला फैब्रिक्स, पाटन पटोला या पाटन ना पटोला या डबल इकर पाटन पटोला, ये सब इसके ठीक है नाम है। इसमें क्या होता है, लेंथ एंड विड्थ को अलग अलग से डिज़ाइन किया जाता है। इनिशियली सब धागे ऐसे वाइट होते हैं, ठीक है, ये एक धागा जो है वाइट है ना, हाँ जी, प्लेन वाइट रहता है, प्लेन वाइट, हाँ, वो ये पूरे सिल्क के धागे रहते हैं, ठीक है, सिल्क के धागों पे नॉट बांध बांध के हम लोग टाइम डाई करके डिज़ाइनिंग रेडी करते हैं। जैसे अभी ये जो है, इससे कपड़े का विड्थ बनाया जाता है, ठीक है, ये जो है इससे लेंथ बनता है, लेंथ एंड विड्थ रहता है ना कोई भी, बिल्कुल समझ गया, हाँ वो तो समझ गया। तो दोनों में अलग अलग प्रकार की नॉट्स बांध के, अभी जो जगह पे कलर करना है वो जगह खुला रख के बाकी सब जगह कवर कर दिया जाता है, ठीक है। जितना कलर रहता है उतनी बार ही टाइम है, प्रोसेस रिपीट होता है। अब सपोज को एक छोटी साड़ी बनानी है, मतलब नॉर्मल साड़ी जो होती है, तो उसे बनाने में कितना टाइम लगता है? 3.5 से 4 महीने सर। 3.5 से 4 महीने, हाँ। और कि कैसा है कि 1 कलर एट ए टाइम हम लोग ये धागों पे कलर कर सकते हैं, मशीन में नहीं बनती, ये मशीन में नहीं बनती, नहीं। खास बात ये है इस चीज़ की, खास बात ये है, अभी आप 10 गुना पैसा भी दे दोगे तो एक जैसे 2 नहीं बनेंगे। ओ भाई साहब, और आपकी यहाँ की दुकान की सबसे महंगी साड़ी कितने की है? 2.5 लाख की। 2.5 लाख, 2.5 लाख वाली है हमारे पास अभी स्टॉक में। क्या बात है। आप वो कैसा है कि जिसको जैसे ऑर्डर बनाना है वो हिसाब से उसका प्राइस पता देते हैं, हाँ, जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतना ज़्यादा वो प्राइस ही बनते हैं। और तो भाई साहब, हम ऊपर आ चुके हैं, और ये देखिए,
ये साड़ी तैयार हो चुकी है। हाँ, ये दुपट्टा है ना, साड़ी में तो लेंथ विड्थ और आगे बढ़ जाएगी। ये वन ऑफ दी ट्रेडिशनल लूम्स है पाटन में, ठीक है, जो बिना पेडल या शटल सिस्टम से हाथ से सकता सब कुछ। ये पूरा हाथों से ही चलता है, ये कंप्लीट हो गया, वरना आपको वीव कर कैसे कपड़ा बुनाई होता है बिल्कुल बिल्कुल भी हम आपको दिखा सकते हैं। नीचे इसमें कोई पेडल सिस्टम नहीं होता और लूम हमारी जो होती है वो स्लैंटेड होती है, ठीक है। बाकी गांधी जी की लूम है या और भी कोई हैंडलूम्स जो पूरे विश्व में भारत में यूज होती है वो सीधी होती है और उसमें पाव की खिड़िया होती है बिल्कुल, जिसके कारण कपड़ा बुना जाता है। इसमें ऐसा कोई भी नहीं होता। ये पूरा जो कलर है वो सालवी फैमिली से या सालवी वीवर्स से फेमस है। सालवी फैमिली या सालवी वीवर्स, उनका नाम भी अभी जैसे यहाँ पे ये संस्कृत में लूम को साल कहा जाता है, साल, और इसमें वी शेप का लकड़ा यूज होता है जिसके कारण वो साल और वी सरनेम का गठन हो। बिल्कुल, अगर वो ना हो तो उस कापड़ में हम लोग वीविंग कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे ऐसे, ठीक है। तो आज भी ये ट्रेडिशनल लूम्स पे बनता है और ये दोनों बाजू से सरी का ही होता है। सेम है बिल्कुल, हाँ, ये बनता है तब तक हम लोग पता कर सकते हैं कि ये ऊपर का भाग था या ये नीचे का भाग था, वरना कट जाएगा फिर नहीं पता कर पाओगे कि ऊपर नीचे बिल्कुल सेम रहेगा। यस, दोनों एक ही लेयर का होगा और दोनों बाजू सेम होगा। क्या बात है भाई साहब, ये कुछ अलग हटके लगा, क्योंकि आप कपड़े को अगर आप आगे पीछे करते हैं तो उसमें चेंज दिखता है नॉर्मल कपड़े में। हाँ, क्योंकि वो कैसा होता है कपड़ा बनने के बाद डिजाइन दिया जाता है। हाँ, ये सही बात पकड़ी, लेकिन ये साथ साथ चल रहा है अपन, जैसे कंप्यूटर प्रिंट करते हैं हम लोग, पेज पलटा के प्रिंट करो सेम नहीं दिखेगा, सेम नहीं बिल्कुल, ये तो पलट जाएगा, बट इसमें वैसा नहीं होता है। इसमें एक ही लेयर का कपड़ा है और ये दोनों बाजू से वो सेम होता है क्योंकि धागों के ऊपर डिजाइन दिया जाता है। अब हमारे नीचे जो आपने देखा वो ग्रुप, अभी एक धागे पे तो डिजाइन कर नहीं सकते, ठीक है, कंप्यूटर तो है नहीं आज। ओ भाई साहब, ये देखिए धागे के अंदर ही डिजाइन है, ये हर एक धागा इंडिविजुअली। नीचे आप जो देखे वो गुच्छाबंद इसके लिए था क्योंकि कंप्यूटर नहीं यूज किया जाता ना, कपड़ा बनने के बाद प्रिंट नहीं देते, ये जो है वो धागे के ऊपर इस पे दिख रहा है आपको। ये देखिए भाई साहब धागा बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, ये बिट बाय बिट डिजाइन, धागा ही भाई स्पेशल है, ये धागा बनता किस चीज से? नीचे जो मैं कर रहा था उससे धागा तैयार होता है, उससे धागा तैयार होता है। कलर व्हाइट धागा देखा आपने, आपने आगे तैयार कर रहे थे वो, मैं जो बांध रहा था उसमें तीन कलर हो चुके थे, ठीक है, उसके पीछे जो व्हाइट था वो फर्स्ट, वैसे ही सारे धागे व्हाइट, वो बेस था, वो फर्स्ट था, ठीक है, फिर उसके ऊपर नॉट्स बांधते हैं और फिर डिजाइन करते हैं। वाह, अब जैसे अभी ये धागे को ऐसे प्लेस रखेंगे तो अभी आके मिल रहा है ना यहाँ पे, समझ लीजिए ये लाल लाल पे आके मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए जैसे अभी ये हरा भाग है ना, इतना भाग हरा है, हाँ, तो हरा हरे पे ही आके मिलना चाहिए। ओ भाई साहब, ये समझ सकते हो भाई, बहुत माइंड का खेल है बिना। हाँ, अभी जितने भी ब्लॉक है समझ लीजिए ये ऐसे आ गया, बट ये धागा अगर यहाँ पे हो तो डिजाइन मिलेगी नहीं कहीं, मत नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। अब जैसे अभी ये एक वाइट ब्लॉक इस पे आ गया, बट वो वहां का होगा तो ही मिलेगा, वरना वो धागा नहीं, तो ये लेंथ में भी डिजाइन करना पड़ता है, विड्थ में भी डिजाइन करना पड़ता है, दोनों को मिला मिला के भाई तो इतना बारीकी काम मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा, बहुत इसमें तो यार बहुत माइंड चाहिए, अगर थोड़ा सा ही भटका तो। इसलिए पाटन पटोला पूरे विश्व का ही नहीं बट भारत का मोस्ट डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स साथ डिजाइन करता है। यस, वो बनने को टाइम लगता है बट एक बार बन गया तो कोई दस गुना भी पैसा दे तो एक जैसे दोनों बन पाए। ओ भाई साहब, तो एवरी पीस यूनिक है, क्या बात है, दो से तीन पीढ़ी एक कपड़ा चल जाता है। अगर आपने आज लिया है तो आपके आने वाले दो से तीन जनरेशन इसको देख पाएंगे, यूज कर पाएंगे और इसको फील कर पाएंगे। क्या बात है, इसीलिए वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। और गुजराती में कहावत है कि पड़ी पटोले भात फाटे पण फिटे नहीं, मीन्स कपड़ा फट जाएगा बट धागों के ऊपर का कलर कभी भी फेड नहीं होगा। ये देखिए, ये जो भी कलर है वो ही रहेगा, फेड नहीं होगा। जैसे आप इस पे ये बिट बाय बिट डिजाइन करने की टेक्नोलॉजी 8वीं 9वीं सदी से भारत में चलती आ रही है। भाई मेरा तो मन कर रहा है कि अभी तो नहीं लूंगा, लेकिन आने वाले टाइम 1 साल के बाद मैं यहाँ से एक साड़ी बुक करूंगा अपनी मम्मी जी के लिए, लेकिन वो सरप्राइज रहेगा, वो उन्हें भी नहीं पता होगा और मैं यहाँ से ही लेके जाऊंगा, इस बात को मैं यहाँ से स्किप कर दूंगा, ठीक है।
तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि इस इतने छोटे से कमरे में ये जो काम चल रहा है, डेढ़ दो ढाई लाख तक का काम चल रहा है। आप मतलब कि समझ सकते हो, आप लोग कंप्यूटर में बैठ के कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बन रहा है गुजरात में, सिर्फ हाथों की कला से ही आपको ऐसे लेके जाता है, मतलब कुछ भी आपको कंप्यूटर यूज नहीं मिलेगा। और ये जो काम चल रहा है आप सोच भी नहीं सकते कितने तक का है। और इसकी जो खास बात यह है कि ये जो कपड़ा है, ये देखिए आप इधर से देख ले या आप इधर से देख ले, बिल्कुल सेम रहेगा। और इसके अंदर आप कमी बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अदर नॉर्मल साड़ियों के अंदर आप जो धागा है ऊपर नीचे निकल सकता है, लेकिन इसके अंदर निकाल सकते। और जो ये साड़ी मिलने वाली है आपको इंडिया में, सिर्फ कहाँ मिलने वाली है जी? ये पाटन गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में मिलती है। बस सिल्क की पाटन पटोला साड़ी या डबल में पाटन पटोला साड़ी के नाम से ये फेमस है। थैंक यू। तो भाग यहाँ पे ये ट्रायंगल वाले यहाँ पे और ये ऐसे। देखिए भाई जी ने ये प्रिंट है नॉर्मल, और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बना दिया है भाई। अब देखिए नीचे का भाग ये इस तरीके से आ रहा है, और ये ऊपर वाला भाग ऊपर, अभी ऊपर तैयार हो गए। वो बाहर है। जैसे अभी लास्ट कलर ग्रीन हुआ, तो ये जो ग्रीन सेक्शन है वो खुले है। बिल्कुल। जैसे देख पाओगे अभी, जैसे ये हाफ सेमी सर्कल है तो यहाँ पे ये हाफ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे फुल हो जाएगा भाई साहब। इसमें येलो जो है वो हम लोग ने कवर किया है, जस्ट ग्रीन सेक्शन ओपन रखा है। जहाँ पे भी आप देखोगे तो ग्रीन कलर ही दिखेगा फुल। बिल्कुल जैसा ये मैंने बोला ना, येलो हम लोग ने कवर किया है, तो ऐसे येलो वाला भाग आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब येलो कलर खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग ने उसको कवर किया है। ये से नॉट्स बांध के हमारा टाई एंड प्रोसेस होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये बहुत, आपको डिजाइन ऐसा लग रहा होगा इम्पॉसिबल सा, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल ये पॉसिबल करके दिखाया है। और जब ये फाइनल तैयार हो जाएगी तो आपको इस तरीके का दिखेगा। आप इस बारीकी को समझ नहीं सकते। अगर आप यहाँ प्रैक्टिकल देखना चाहते तो जरूर आना इस जगह पर, गुजरात में ये जगह। और मैंने इनकी जो लोकेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ पे इनसे पूछताछ कर सकते हैं, इनका नंबर भी डाल दूंगा मैं। अगर आप चाहते हो कि अपने दोस्त, मम्मी पापा, पेरेंट्स या अपनी शादी में कुछ अलग सा यूनिक सा पहनना चाहते हैं, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करना। क्योंकि अगर आप एक दिन पहले कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको साड़ी का एक सफ़ेद धागा भी नहीं मिलेगा, आपको 6-7 महीने पहले इनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। हमारे पाटन पटोला के फैमिली मेम्बर जी है, ये मेरी नानी जी है, ठीक है, ये मेरी मासी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी यंगर सिस्टर है, ये मेरी मासी की लड़की है, ये जो मेरे मामा और उनकी वाइफ है, ये भी एक मामा है, और ये मेरे नाना जी की बहन और उनके पति जी है। वाओ, तो इनमें सबसे जो महंगा कपड़ा है वो किसके पास है सबसे, आपके अकॉर्डिंग? नहीं, एक तो परसेंटेज ज़्यादा होती है ना कि सबसे महंगा उनके पास है। समझ लीजिए कि इनका वाला थोड़ा सबसे, या मेरी नानी का ही ले लीजिए, बिल्कुल 5 लाख की दे दे, तो सेम साड़ी 25-30 साल से वो साड़ी पहन रहे हैं, बट आज भी अगर आप खोल के देखोगे तो न्यू की न्यू। 25-30 साल साड़ी पहन रहे हैं? हाँ। ओ भाई साहब, बिल्कुल आप समझ नहीं सकते यार, 25-30 साल में साड़ी का नाम निशान तक नहीं रहता, लेकिन इनके पास है वो यही वाला है। हाँ, अगर आप देखोगे तो शोल्डर वाला भाग मैच भी करेगा। बिल्कुल, ये जो भाग है ना वो मेरी नानी का शोल्डर, देखोगे। तो ये साड़ी भाई 25-30 साल तक इनकी नानी जी ने पहनी है, और आप इसमें कुछ बता दीजिए कमी कहाँ पर है? सेम टू सेम नहीं लग रही है? न्यू लगेगी तो कपड़ा धोने के बाद कुछ दिक्कत नहीं आती इसमें? नहीं, सेम ऐसी रहेगा भाई साहब। यूजुअली सिल्क की साड़ी धोया नहीं जाता, बट पाटन पटोला ओरिजिनल होगा तो आप उसको घर पे थोड़ा सा वॉश भी कर लेंगे, उसका कलर मिक्स नहीं होता। क्या बात है, बाकी सब सिल्क का कलर मिक्स हो जाता है और बिना गारंटी के ही बेचा जाता है। वाह, और आपको यहाँ पर अगर साड़ी या कुछ भी तैयार करवाने वाला है, कुर्ता पजामा हो गया, दुपट्टा हो गया, तो आपको 6-7 महीने पहले इनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।